press the bell icon on the YouTube app and never miss. किस तरह से देखते हैं आप इस वक्त जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है और पाकिस्तान जो है उन्होंने ये कहा है कि जी ठीक है आप रुपीज में भी पाकिस्तान से जो है सामान ले सकते हैं, तो क्या देख रहे हैं आप, कुछ बेहतरी आएगी उनमें या और ज्यादा इनकी सिचुएशन खराब होती जाएगी? देखिए अर्जुन जी, ऐसा है कि ये पाकिस्तान की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि रुपीज में खरीदो, और करना भी चाहिए पाकिस्तान को, पहले कर लेना चाहिए था, पता नहीं इतना टाइम क्यों लगाया इन्होंने, चलिए अच्छा करा। लेकिन एक चीज है, अफगानी कर क्या रहे हैं, उन्होंने कोयले का दाम बढ़ा दिया, जब उनको पता लगा कि आपको कोयला चाहिए तो आपने 200 उन्होंने 200 रुपए का कर दिया कोयला, या $200 $200 समथिंग लाइक दैट व्हाटएवर उन्होंने कर दिया। वो अफगानियों को एक बात पता है कि अब उनको आपकी जरूरत नहीं है। एक जमाना था जब सांस लेने के लिए उनको पाकिस्तान की जरूरत थी, एक जमाना था जब लाखों दर लाखों अफगानी यहां पे आके आपके पाकिस्तान में बसते थे, एक जमाना था जब इलाज के लिए यहां पे आना, अभी भी आते हैं, ऐसी बात नहीं कि अभी नहीं आते, अभी भी आते हैं और दबा के आते हैं अफगानी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अब कहीं ना कहीं तालिबान को ये, अब देखिए अमेरिका भी डायरेक्टली एंगेज कर रहा है, एक जमाने में जब अमेरिका बात करता था अफगान लीडरशिप से तो थ्रू तालिबान, थ्रू पाकिस्तान बात करता था, दुनिया जब अफगानिस्तान जाती थी तो वाया पाकिस्तान जाती थी या बात करती थी वाया पाकिस्तान बात करती थी। आज की तारीख में इंडिया का फॉरेन ऑफिस का नुमाइंदा काबुल में बैठा है, तालिबान से बात कर रहा है, राइट? आप सरप्राइज मत होइएगा, प्लीज डू नॉट बी सरप्राइज अर्जुन जी, अगर अगले 6-8 महीने में इसराइल का नुमाइंदा बैठा हो अफगानिस्तान में, चाइना अफगानिस्तान के साथ ट्रेड शुरू कर रहा है, ठीक है, उनकी हेल्प कर रहा है, यूरोपियन यूनियन उनके साथ बात कर रहा है, एंड नोबडी इज टॉकिंग थ्रू पाकिस्तान, तो अफगानिस्तान को पता लग गया। दूसरी चीज, अफगानिस्तान के हाथ में एक ट्रंप कार्ड है बहुत बड़ा, जिससे वो पाकिस्तान को परेशान करता है, और उस ट्रंप कार्ड का नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं, जय हिंद जय भारत। दहशतगर्द तंजीम है जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और मुझे नहीं पता कि आप लोग बातें क्यों कर रहे हैं, जिरगा फिरगा क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज को तो घसीट घसीट के मारना चाहिए इन लोगों को, टीटीपी वालों को, जो कि पाकिस्तानी फौज नहीं कर रही। पाकिस्तानी फौज ने पहले एक बार चखाया था इनको अच्छा मजा, ठीक है, जब जरबे अज हुआ था और रदुल फसाद हुआ था और एक दो और ऑपरेशन आपके हुए थे, तब काफी सक्सेसफुल ऑपरेशन थे, मैंने फॉलो अप करा, फ्रॉम अ मिलिट्री स्टैंड पॉइंट दे वर वेल एग्जीक्यूटेड, प्रोफेशनली एग्जीक्यूटेड, और खूब इनको घसीटा था इनको टीटीपी को। तो मुझे लगता है पाकिस्तानी फौज को ये करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो चाह रहे हैं ना, इनके बेसिक्स क्या हैं टीटीपी के, टीटीपी के बेसिक्स क्या हैं अर्जुन जी, टीटीपी के ये बेसिक्स हैं कि भाई हम पाकिस्तान को नहीं मानते, भाई पाकिस्तान के आईन को नहीं मानते, ये कहते हैं पाकिस्तान का आईन जो है गैर इस्लामी है, बिल्कुल, खुद 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 मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की होती है, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, कुरान शरीफ को पाकिस्तान का आईन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, राइट, अटक तक का एरिया हमारा है, तुम्हारा है ही नहीं, जो फाटा का मर्जर हुआ है उसको अंडू करो, जैसे थे वाली कार्रवाई करो, जैसे पहले थे वैसे ही पहुंच जाओ फाटा को। तो दे आर चैलेंजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान कह रहा है मैं इनसे बात करनी है, ऐसे लोगों से बात करी जाती है, और ये अटैक करते रहेंगे। अर्जुन जी मैं आपको एक और बात बता दूं, माफ कीजिएगा, ये लोग अटैक करते रहेंगे पाकिस्तान को, क्यों मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये लेवरेज है बहुत बड़ा अफगान तालिबान के हाथ में। आपको क्या, इनको क्या लग रहा है कि ये टीटीपी से बात करेंगे और सब ठीक हो जाएगा, और टीटीपी बोलेंगे हाँ ठीक है कल से हम भाई भाई हैं? नो, ये लोग अटैक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अ रीजन, ये पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे ये है कि आप लोगों को चाहिए थी अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ, अफगानिस्तान ने तालिबान ने टीटीपी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ ले ली, गेम उल्टा हो गया, एक चाल शौर मात, गेम खत्म कर दिया अफगान तालिबान ने, आपको टीटीपी को पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के मारना पड़ेगा, तब जाके वो लोग कंट्रोल में आएंगे, और ये लोग अफगानिस्तान के अंदर भाग जाते हैं। आज तक आप बताइए अफगान तालिबान ने कंडेम करा उनको, ऑपरेशन नहीं करे उनके खिलाफ, चलो कोई बात नहीं जी ऑपरेशन नहीं करे, उनके पास इतनी वो नहीं है, क्या उनके स्पोक्स पर्सन ने ये बोला कि ये बुरे लोग हैं, वो पाकिस्तानी हमारे भाई हैं और ये पाकिस्तान के खिलाफ अटैक कर रहे हैं, हम बिल्कुल अग्री नहीं करते और गलत चीज है ये, एक बार उन्होंने फूटे मुंह ये बात बोली? नहीं बोली, बिकॉज वो खुद करवा रहे हैं। अफगान तालिबान जिनके लिए इमरान खान इतना नाच रहा था छत पे चढ़ के कि भाई ये हमारे भाई आ गए और जहनी आजादी हो गई और फलाना, और इनको पैसा दे दो, हीना रवानी घर को भी उसी कीड़े ने काट लिया, अभी वो भी कह रही है कि इनका पैसा दे दो, ये सब दे दो, ये सब कीड़े यही काटे हुए हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दे आर यूजिंग तहरीक तालिबान पाकिस्तान टू अटैक पाकिस्तान एवरी डे, ये सच है।
लेकिन जाते जाते एक चीज और मुझे बताइएगा मेजर साहब, के इमरान खान का, क्योंकि आपने नाम लिया, इमरान खान को भी अमेरिका से कॉल नहीं आ रही थी और अब शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं आ रही, और सुनने में यही आ रहा है कि वो भी कोशिश कर रहे हैं, तो उधर लोगों से कहलवा रहे हैं कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो उनको एक कॉल कर लें, तो आखिर ये कॉल क्यों नहीं कर रहे लोग? क्यों करेंगे आरजू जी कॉल, उनको चाहिए क्या पाकिस्तान से? ये देखिए ना, ये हर बात ये है कि जब आप लॉजिक के ऊपर काम नहीं करेंगे ना, और जब आप उड़ी उड़ी चीजों के ऊपर बात करेंगे, तब ये प्रॉब्लम है। आपसे मेरी मुराद पाकिस्तानी लीडरशिप, आपसे नहीं, पाकिस्तानी लीडरशिप से। कॉल नहीं आया, कभी ये सोचा क्यों नहीं आया? ये कह रहे हैं क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। ऐसा कुछ था नहीं, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट तो बोला था टीवी इंटरव्यू में, उन्होंने कौन सा जो बाइडन को एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया? यूएस हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। मैं बार बार पाकिस्तानी जो मेरे भाई हैं, जो मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं मेजर साहब ऐसा है, मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूं, देखो पाकिस्तान अमेरिका के लिए क्यों जरूरी था, पाकिस्तान अमेरिका के लिए क्यों अहम था? इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के पास एक बहुत अजीम फौज है, पाकिस्तान के पास एटमी हथियार हैं, पाकिस्तान के पास जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, नहीं, ये सब नहीं है। उनको पाकिस्तान की सिर्फ एक चीज के लिए जरूरत थी कि उनको अफगानिस्तान जाना था, बस उनको राहदारी चाहिए थी। ईरान के साथ उनकी बनती नहीं है, ईरान के साथ उनकी बनती नहीं, और समुद्र के रास्ते, जो समुद्र के रास्ते है वो कैसे आएंगे आप अफगानिस्तान? या तो ईरान से आएंगे, ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, ईरान के अंदर से जाएगा नहीं अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने तो सैंक्शंस लगा रखे हैं, या जो यूएन ने भी लगाए वो भी अमेरिका के कहने पर लगाए हैं, जाएगा पाकिस्तान के थ्रू। अब जब अमेरिका पाकिस्तान से अफगानिस्तान से निकल गया, उसने बोला हमें जरूरत नहीं है, तो क्यों बात करेगा वो, किस चीज के लिए बात करेगा? बस ऐसे कीजिए, आ जाओ जी हमारे घर पे चाय चाय पीने के लिए, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है जो बाइडन कॉल करे, पर जो बाइडन तब कॉल करेगा शहबाज शरीफ को, इमरान खान अगर कल प्राइम मिनिस्टर बने, या कोई भी एक्स प्राइम मिनिस्टर, जब अमरीका को कोई मतलब होगा। ये दुनिया तो मतलब की है, अमरीका को जिस दिन मतलब होगा पाकिस्तान से। और आखिरी चीज आरजू जी, अगर आप ये पाकिस्तानी जो दोस्त हैं, भाई बहन देख रहे हैं, वो थोड़ा सा अपसेट होंगे, लेकिन सच हमें बोलना चाहिए। पाकिस्तान को अपने बारे में ना गलत फहमी बहुत है, बहुत ज्यादा गलत फहमी है कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम शाहीन हैं, हम ये हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए, बिल्कुल गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए। आपकी जरूर, आप दुनिया को क्या देते हैं आप ये बताइए, कि हम दुनिया को ये चीज देते हैं जो और कोई नहीं देता, जो हमारी जबरदस्त है, हम दुनिया को एक चीज देते हैं। अब कोई भी पूछे कि क्यों नहीं फुटबॉल, अरे जी वो उस पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा आरजू जी, जो फीफा की फुटबॉल है वो पाकिस्तानी ब्रांड थोड़ा है, वो तो जो भी है कॉस्को या एडिडास या जो भी बॉल है वो बन रही है, वो दैट इज नॉट, वो उस पर पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है कोई। पाकिस्तानी ब्रांड होता तो फखर की बात होती, किसी को पता भी नहीं कौन सी पाकिस्तानी कंपनी है। आप पाकिस्तानी है, मैं आपसे पूछना कौन सी कंपनी है बताती है फुटबॉल, बताइए आप, आपको नहीं पता होगा, नोबडी नोज, किसी को नहीं पता कि कौन सी कंपनी है वो गुमनाम कोई कंपनी है जो एक कोने में पाकिस्तान के बैठ के पेंच लगा के फुटबॉल बना रही है। बात यह है अर्जुन जी की, देखिए मुल्क जो है ना, मुल्क फौज की वजह से पावरफुल नहीं होते। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हमारी फौज अच्छी है, नंबर वन है, हमारी आईएसआई नंबर वन है, हमारी एटमी हथियार नंबर वन है। एंड में क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, ये चीज लोगों को आगे ले जाती है। अगर पाकिस्तान की फौज इतनी अजीम होती, पाकिस्तान इतना अजीम होता, तो ये ढेरों के हिसाब से फिर पाकिस्तान की लीडरशिप, गरीब आदमी तो जाएगा ही, देखो इंडिया का भी जाएगा, पाकिस्तान का भी जाएगा, बाहर सिटीजनशिप लेने, आपके आपका जो अशराफिया है वो बाहर की सिटीजनशिप क्यों ले रहा है? शहबाज गिल के पास क्यों अमेरिकन पासपोर्ट है? आप ये बता दीजिए, इमरान खान का जो खास बड़ा बेटा है, इमरान खान का छोटा बेटा, सॉरी बड़ा बेटा कोई और है, छोटा बेटा जो शहबाज गिल, उसके पास अमेरिकन पासपोर्ट क्यों है? आपके एनएसए के पास, फॉर्मर एनएसए के पास क्यों था ग्रीन कार्ड अमेरिका का? सबकी सबकी वो बाहर क्यों पड़े हैं असासे सबके? इमरान खान गलत नहीं कहता, जब वो कहता ना असासे पड़े हैं, वो बिल्कुल ठीक कहता है, क्यों पड़े हैं, कारण क्या है, वजूहत क्या है उसकी? कि लोग इसलिए नहीं कि ये करप्ट हैं, यहां इमरान खान गलत जो कहता है करप्ट हैं, इसलिए इनके करप्ट हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं खरीदते वो लोग? उनकी 5% इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, 95% बाहर है, क्यों? क्यों? इंडिया में भी करप्शन है आरजू जी, ऐसी बात नहीं कि इंडिया में सब दूध के धुले हैं। बात यह है कि उनको पाकिस्तान, जी बताइए आप बताइए, क्योंकि उनको यकीन नहीं है कि पाकिस्तान ज्यादा दिन ऐसा रहेगा कि इनके रहने के काबिल हो, या ये रहना पसंद करें, कमजोर होता जाए। जैसे ये बिल्कुल आपका 1 करोड़ रुपए का सही जवाब है आरजू जी, इसको लॉक कर दिया जाए, ठीक है? ये आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, दे डू नॉट बिलीव इन
पाकिस्तान कि पाकिस्तान चलेगा भी नहीं चलेगा, इनको लगता है कल अगर मुल्क खत्म हो गया तो हमारे पैसे कहां जाएंगे, इसलिए बाहर कर रखे हैं। सबने बाहर, ये लंदन वंडन नवाज शरीफ के सारे चोरी के पैसे बाहर क्यों आए? बिल्कुल ठीक है ना, इमरान खान की फैमिली बाहर है जो उसकी एक्स वाइफ है, सारे के सारे बाहर बैठे हुए, वो ठीक है वो वहीं की थी वहीं वापस चली गई, दैट्स ओके। इमरान खान के बेटे बाहर है, ठीक है, एवरीबॉडी इज आउटसाइड। पाकिस्तान में आपके आर्मी चीफ्स बाहर हैं, पुराने के पुराने जितने भी आर्मी, क्यों? दे डोंट बिलीव, उनको लगता है कि हमने $2 अरब किसी ने चुराए, ठीक है आरसू जी, $2 अरब किसी ने चुरा लिया पाकिस्तान से। अब वो $2 अरब अगर यहां पर डालेगा पाकिस्तान में और डूब गए पैसे, तो कौन गारंटी देगा उसके साथ? तो ये लोग क्या करेंगे, यहां पर 10-15 करोड़ रुपए पाकिस्तान में वो बड़े से कितने कनाल का घर ले लिया, ये ले लिया, कॉर्नर प्लॉट ले लिया, डीएचए में एक दो शॉपिंग प्लाजा ले लिया, लेकिन लंदन में उनके शॉपिंग मॉल्स होंगे, लंदन में, दुबई में होंगे, जो स्टेबल जगह है। और यही रीजन है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट आती है क्योंकि इंडिया स्टेबल है, और यही रीजन है कि पाकिस्तान में नहीं आती चाइना के अलावा क्योंकि पाकिस्तान पॉलिटिकली अनस्टेबल है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन किसी ने लिखा था ट्विटर पे कि शायद उन्होंने खैर मजाक में लिखा था, लेकिन यही लिखा था कि शायद पाकिस्तान बनाते वक्त डीएचए वाला एरिया दे दिया भारत ने पाकिस्तान को, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डीएचए ही बनते चले जा रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।